Hi friends, this is Bashir Ahmed Gojri, this time with the second presentation of the chapter Tracing Changes Through a Thousand Years. This is first chapter of class 7th and name of the book is Our Past Second. Dear friends, the facts provided in this presentation are based on the NCERT recommended for class 7th. इस चैप्टर में हम एडी 700 से एडी 1750 तक का पीरियड पढ़ते हैं और इस पीरियड में कुछ नई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इंडिया में हुई और इन्हीं इन्वेंशंस को हमें यहाँ याद रखना है किस टाइप की इन्वेंशंस इस पीरियड में सामने आई एंड वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल innovations or invention that made appearance in this period is the Persian wheel. अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, this is Persian wheel. ये Persian wheel से हम क्या करते हैं? कुएं से पानी ज्यादा at a time निकाल सकते हैं. इस channel के जरिए जो ये यहाँ बनी है, इस पानी को direct कर सकते हैं into the fields. That means this Persian wheel helped in irrigation. That means with the help of the Persian wheel, means of irrigation improved in this period. The second invention which is mentioned in our book is the invention of spinning wheel, which helps in weaving. That means the art of weaving also improved through these thousand years. Third invention jo use hui hai, जिसका मेंशन हमारी बुक में है, इट इज द इन्वेंशन ऑफ द फायर आर्म्स विच आर यूज्ड इन कॉम्बैट्स. दैट मींस हथियार भी इस जमाने में 700 से 1750 तक का जो पीरियड हमारे सामने है, तो इस पीरियड में बहुत सारे नए हथियार भी बनने लगे. ना खाली टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस बल्कि कुछ नए फूड्स या बेवरेजेस भी इंडिया में इस दौर में आए. एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है कॉर्न, पोटैटोज, चिल्लीज, टी एंड कॉफी. दैट मींस इस दौर में 700 से 1750 तक का दौर जो इंडिया की हिस्ट्री में है, इस दौर में ही इंडिया में नया क्रॉप जैसा कॉर्न आया या पोटैटोज या चिल्लीज या टी एंड कॉफी, ये ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में इसी दौर में आई. इससे पहले इंडिया में ये चीजें नहीं उगाई जाती थी. हाउ वॉज दिस पीरियड अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. यानी 700 से 1750 तक की हिस्ट्री जो पूरे क्लास 7th में आपको पढ़नी है, इस पीरियड को हम कहते हैं इट वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, पीरियड ऑफ सोशल चेंजेस एंड पीरियड ऑफ कल्चरल चेंजेस. हाउ? क्योंकि इसी दौर में कुछ नई इनोवेशंस आई, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्रॉप्स, और टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स के साथ लोग भी आए. दैट मीन्स देयर वेयर पीपल हु ब्रॉट दीज इनोवेशंस, दीज टेक्नोलॉजीज, दीज क्रॉप्स टू इंडिया, एंड विद देम उन लोगों के साथ कुछ और चीजें भी आई, जैसे आइडियाज. आइडियाज आल्सो केम विद देम. वो आइडियाज यहाँ की पॉपुलेशन ने एडॉप्ट किए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पीरियड जो 700 से 1750 तक का रहा, इट बिकेम अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, अ पीरियड ऑफ सोशल चेंजेस एंड अ पीरियड ऑफ कल्चरल चेंजेस. और ये चेंजेस ही हमें इस 7th की हिस्ट्री में पढ़नी है, what economic changes, what political changes, what social changes and what cultural changes took place in India in this period. And this is the curricular expectation for the whole year of class 7th. 7th ki history jo hai, isi cheez ke around ghoomti hai.
यहां कुछ और बातें ऐड करेंगे। वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस पीरियड में राजपूत इम्पोर्टेंट बनने लगे। राजपूत इज अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र विच मीन्स द सन ऑफ अ रूलर। यहां याद रहे कि इस दौर में दैट मीन्स 8th से 18th सेंचुरी तक अगर हम देखते हैं, इसका पहला पार्ट जो 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी है, द टर्म राजपूत वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। अब जो आपके सामने स्लाइड है, लिखा है राजपूत बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, तो कोड ऑफ शिवेलरी, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, डेथ बिफोर डिसऑनर, ऑनर ऑल दोज अबोव योर सिटीशन, पुनिश द गिल्टी, कोर्सी टू ऑल लेडीज, बैटल इज द टेस्ट ऑफ नाइटहुड, रेस्पेक्ट ऑल वर्थी पीपल, प्रोटेक्ट द इनोसेंट, Defend your charge unto death. Combat is glory. Arts are foot of chivalrous. Anger blinds a cool head. Wins the day. Such were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. The other groups who used the opportunities of the age to become politically important included Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, Kayasthas. And Kayasthas were a caste of scribes and secretaries. In this period, that is 700 to 1750 AD, society became more differentiated. People got grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. In some villages, jati panchayats came into existence. That was all in this presentation. Thank you. With regards, Bashir Ahmed Gojri.